दुनिया के 10 अमेजिंग इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट रोबोट्स। जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। नंबर 1, सोफिया रोबोट। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट माना जाता है क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव रोबोट है जो आपसे बात भी कर सकती है और आपके सवाल का जवाब भी दे सकती है। यहाँ तक कि इस रोबोट के चेहरे पर 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं। सोफिया को हांगकांग के हानसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया ने बहुत से मशहूर चैनल्स में अपना इंटरव्यू भी दे रखा है। इसके जवाब काफी अच्छे होते हैं और ये हंसी मजाक भी कर लेती है। हाल ही में सऊदी अरेबिया की सरकार ने इसे वहां की सिटीजनशिप भी दी हुई है। ये अपने आप में एक मिसाल है और आज तक के सबसे एडवांस रोबोट्स में। नंबर 2, असीमो रोबोट। असीमो को दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमनॉइड रोबो माना जाता है। ये शायद दुनिया का पहला इतना ताकतवर ह्यूमनॉइड रोबो है जिसे आप कमांड के थ्रू काम करवा सकते हैं। हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ह्यूमनॉइड रोबोट देखे हैं जिसकी परफेक्ट मिसाल असीमो रोबोट है। इस रोबो को होंडा ने बनाया है और ये 4 फुट ऊंची और 54 किलोग्राम की है। असीमो 3 जबानों में बात कर सकती है, जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश। जापानीज सरकार इस पर बहुत काम कर रही है और बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रही है। नंबर 3, रोलिंग बोट। क्या आपने हॉलीवुड की मूवी स्टार वॉर्स देखी है? अगर हाँ तो आपको रोबो BB-8 तो जरूर याद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोलिंग बोट रोबो की जो बिल्कुल आपके फेवरेट BB-8 की तरह है। ये एक ऐसा रोबो है जिसे आप बासानी अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। LG कंपनी का बनाया गया ये रोबो आपके घर का तब ख्याल रख सकता है जब आप घर पर मौजूद ना हो। आप इस रोबो के जरिए ये जान सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में घर में सब कुछ ठीक है भी या नहीं। इस तरह ये रोबो बहुत ज्यादा फायदा मंद है। नंबर 4, टैपर। टैपर को अल्डरबान रोबोटिक्स ने सन 2014 में बनाया था और इसे आप हैप्पी रोबो भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंसानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी। इस रोबो की खास बात ये है कि ये इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशंस को बआसानी समझ सकती है। आज बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये रोबो आउटडेटेड हो गई है, मगर इसकी कंपनी का ये दावा है कि ये आज भी एक एडवांस रोबोट है क्योंकि इसमें लगे हुए चिप्स बहुत ही जदीद किस्म के हैं। इसकी कीमत लगभग 2000 यूरोज है। नंबर 5, स्पोर्ट। स्पोर्ट रोबो को गूगल की कंपनी ने बनाया है और ये एक एनिमल रोबो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसे डॉग रोबो के नाम से भी जाना जाता है और ये 4 पैरों पर चलती है और इससे आप घर के अंदर या बाहर की काम भी करवा सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इसे किसी भी अनइवन सरफेस पे भी चला सकते हैं और ये आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है बिना किसी नुकसान के। अलबत्ता ये अब तक तय नहीं हुआ है क्या इस रोबोट को जानवरों के साथ रखा जा सकता है या नहीं। इस रोबो को जब एक कुत्ते के साथ छोड़ा गया तो कुत्ता पूरे वक्त स्पोर्ट रोबो पे भौंकता ही रहा। ये देखकर लगता है कि इस रोबोट पे अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। नंबर 6, डेका रोबोट। डेका रोबो इंसानों को जीने का सहारा देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। डेका रोबो रोबोटिक्स का एक हिस्सा है। जिन लोगों के हाथ या पैर बचपन से नहीं होते या किसी भी बीमारी की वजह से काट दिए जाते हैं, इन्हें ये आर्टिफिशियल लिम्स दिया जाता है जो है डेका। डेका को अमेरिका की कंपनी ने इस तरह बनाया है कि आपको इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि आपका हाथ या पैर नहीं है। ये आपको ग्रिप लेने में मदद करती है और ये प्रोस्थेटिक्स की दुनिया का बेहतरीन शाहकार है। नंबर 7, रोबोट स्नेक। रोबोट स्नेक बहुत ही जदीद किस्म का रोबो है। दरअसल स्नेक रोबो को इलियम के नाम से भी जाना जाता है और ये समंदर के कोने कोने तक पहुंच सकती है जहां पे किसी भी भारी किस्म की चीज या इंसान का जाना मुमकिन नहीं है। आपको हैरानी होगी कि स्नेक रोबो का इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन या फिर जहाज के रिपेयर में किया जाता है। इस रोबो को नोवोगेन रिसर्च सेंटर ने बनाया था और ये किसी भी तरह के मैकेनिकल काम पानी के अंदर कर सकती है। नंबर 8, स्पाइडर रोबोट। ये रोबोट किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है।
ये एक ऐसा रोबो है जो रियल स्पाइडर जैसी दिखती है। क्या आप जानते हैं कि इस रोबो से आप किसी को भी डरा सकते हैं? ये आपको दौड़ा दौड़ा के पूरी तरह थका देगी, इसीलिए ये चेस करने वाले लोगों में से भी एक है। नंबर 9, कंगारो रोबोट। इस रोबो को कंगारो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये असली कंगारो जैसे रैक प्रोपल्शन मैकेनिज्म से बनाई गई है। ये रोबोट हर एक जंप के साथ अपनी एनर्जी को बढ़ाती है और वहीं से एनर्जी लेती है। रोबोटिक कंगारो का वजन लगभग 7 किलोग्राम है और ये हर एक जंप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तय कर सकती है। असली कंगारो इसलिए थक जाती है क्योंकि ये एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकती, मगर रोबोटिक कंगारो हर जंप के साथ एनर्जी कन्वर्ट करती है, जो इसी दूसरी बार जंप करने में आसानी पैदा करती है। नंबर 10, बटरफ्लाई रोबोट्स। ये रियल बटरफ्लाई जैसी दिखती है और आपका इनमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। इस रोबोट का वजन 32 ग्राम का होता है और इनमें चार्जेबल बैटरीज लगे होते हैं। एक बटरफ्लाई रोबो 15 मिनट चार्ज होने के बाद कम से कम 4 घंटे तक उड़ सकती है। ये सिग्नल सेंट्रलाइज कंप्यूटर तक भेज सकती है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि उस जगह पर क्या हो रहा है। ये शायद रोबोटिक्स की दुनिया का सबसे छोटी और कम वजन वाली रोबोट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।